जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु कुमार और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यामिनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में जिन लोगों को लॉस हो रहा है उनके लॉस को रिकवर होने के कोई चांसेज है कि नहीं, यानी कि उस लॉस की भरपाई हो सकती है कि नहीं। इस मुद्दे पर इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इसमें नया एंट्री लेना चाहता है, यानी कि कोई नया व्यक्ति इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहता है, तो क्या उसे इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं, और लंबी अवधि में इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। इन सभी मुद्दों को इस वीडियो में एकदम हर एक पहलू को छुएंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत इस मुद्दे से करते हैं कि जो लोगों को लॉस हो रहा है उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि यामिनी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस चल रहा है 85 पैसा, और चूंकि आज मार्केट बंद है तो यदि एक दिन में देखेंगे तो इस कंपनी का कोई रिटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं जब पिछले 6 मंथ में आप देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में तकरीबन 16% के आसपास से स्टॉक टूटा है, और वहीं पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में तकरीबन 5.5%, और 1 सप्ताह में देखेंगे तो 1.25% के आसपास से स्टॉक टूटते हुए नज़र आया है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो एक लंबी अवधि में जो आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस लगता है नीचे जा रहा है। जिन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अब करना क्या है इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। आपको लेकर चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर यानी कि वो वेबसाइट है जहाँ पर किसी कंपनी की सारी जन्म कुंडली पता लगती है। तो देखिए यही है स्क्रीनर वेबसाइट। अब इसमें देखेंगे तो ये जो यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है आपको पता है लोन और इन्वेस्टमेंट का काम करती है, यानी कि लोगों के पैसों को मैनेज करती है, या कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उससे जो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है उससे कंपनी का काम धाम चलता है। तो ये तो साधारण सी बात हो गई, कंपनी का काम धाम क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है। लेकिन जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है और जिनको लॉस हो रहा है वो पैसा कब कमाएंगे इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए जब आप इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो 1 साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे गया है, और अभी भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे ही जा रहा है। 5 साल के हिसाब से देखें तो 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है यहाँ पर जब आप इसका प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस था 19-20 पैसे, और अभी इस कंपनी का प्राइस चल रहा है आपको 85 पैसा के आसपास। यानी कि और चार्ट पर भी देखेंगे तो इस कंपनी का जो चार्ट है ये जो मतलब चार्ट है इस लेवल तक नहीं आया है। यानी कि इसका जो चार्ट है यानी आसान भाषा में तो इसका जो प्राइस है अभी अपने बुरे दौर में नहीं आया है। हालांकि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो साल भर का हाई है तकरीबन 2.5 पैसे के 2.5 रुपये के आसपास था, 2.5 रुपये से कम होकर प्राइस अभी आ गया है 85 पैसा के आसपास। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जब 85 पैसा तक इस कंपनी का शेयर प्राइस आ गया है तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इसका प्राइस 19 या 20 पैसे भी आ सकता है, जो कि ये वाला लेवल आप देख सकते हैं 19 और 20 पैसा के आसपास। और इसमें आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा जिन लोगों ने टॉप पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को बाय करता है ना तो उस समय RSI लेवल चेक नहीं करता है। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को बाय कीजिए तो एक बार RSI जरूर चेक कर लीजिए। यदि RSI 70 के आसपास है तब नहीं बाय करना चाहिए क्योंकि वो ओवरबॉट जोन होता है। और बहुत से लोग किसी कंपनी के शेयर प्राइस को जब बढ़ने लगता है तो बढ़ते हुए प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि टॉप पर बाई करते हैं। और जो लोग किसी कंपनी के शेयर प्राइस को टॉप पर बाई करते हैं वही लॉस में होते हैं और वही लॉस का रोना रो रहे होते हैं। तो खैर जो हुआ सो हुआ, अभी देखिए अभी करना क्या है। इसके पीछे वजह यह है ना कि इस कंपनी के शेयर प्राइस जो नहीं बढ़ा है क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब देखेंगे तो काफ़ी कम है, 1% से भी कम है। और किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड सामान्यतः 2 डिजिट में होना चाहिए। हालांकि ये पेनी स्टॉक है तो 2 डिजिट में नहीं भी हो, 7-8% भी रहता तो ठीक रहता, लेकिन ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इतना भी नहीं है। यानी कि अभी इसमें समय लगेगा इसके शेयर प्राइस को ऊपर आने में। दूसरी चिंता की बात यह है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है यह भी 1 रुपये से कम है, 0.13 है, ये काफ़ी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा यदि फंडामेंटल भी देख लें कंपनी का तो फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है जो Q2 का रिजल्ट आया था सिर्फ उसी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि भले Q2 में कंपनी का सेल्स बढ़ा है लेकिन यहां पर देखेंगे तो प्रॉफिट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुआ, सिर्फ 18 लाख प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि पिछले कुछ समय में देखेंगे तो उससे तो बेहतर ही है, मतलब ये कहें कि कंपनी के फंडामेंटल में थोड़ा बहुत सुधार होते हुए जरूर दिखा है। तो अभी देखिए सिर्फ 1 क्वार्टर की बदौलत हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। यदि ये जो ग्रोथ है इस कंपनी के फंडामेंटल में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है यदि ये कुछ दिनों तक बरकरार रहते हैं, यानी कि अभी जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, Q3 के रिजल्ट में भी अच्छा सेल्स और अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी करके दिखाती है, तब कंपनी के जो ये ओवरऑल ROE और ROC है इसमें थोड़ा बहुत सुधार होते हुए दिखेगा, तब कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने शेयर को होल्ड करके रखना होगा, यानी कि इस स्टॉक में समय देना होगा।
अब देखिए, जिसके पास पेशेंस है वो तो समय देगा, मेरी मानिएगा तो आपको समय देना चाहिए। नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इससे एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें से अपना आधा शेयर ही निकालिएगा और बाकी का आधा शेयर इसमें पड़े रहने दीजिएगा। क्या लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि में जब इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपके जितने भी लॉसेज हुए हैं ना सभी रिकवर हो जाएंगे। यामिनी इन्वेस्टमेंट देखिए फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, थोड़ा सा फंडामेंटल वीक है, लेकिन आने वाले समय में जब फंडामेंटल इस कंपनी का बेहतर होगा तो आपके लॉसेज को रिकवर होने के चांसेज हैं। इसलिए मैंने जो बातें बताई आप उस पर ध्यान रखिएगा। यदि कुछ मन में सवाल है इस कंपनी से रिलेटेड तो उस कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।